हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल को किस प्रकार से पेपर पे लिखा जाता है, यानी हम एक हमारा गैल्वेनिक सेल चित्र बना हुआ है, अगर इसको पेपर पे लिखना हो तो किस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है पेपर पर, ये हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये गैल्वेनिक सेल में हमारा डेनियल सेल है, और डेनियल सेल को हम पहले पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं क्या, ये जिंक की रॉड और जिंक सल्फेट का विलयन, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है, ऑक्सीकरण, यानी जिंक की रॉड से जिंक के एटम जिंक आयन के रूप में विलयन में जा रहे हैं और अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ रहे हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर आयन कॉपर की रॉड पे जा रहे हैं और इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों को कनेक्ट कर दिया जा रहा है दोनों इलेक्ट्रोड को। यह इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित और कॉपर का इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित है, यानी दोनों के मध्य एक पोटेंशियल का डिफरेंस स्थापित हो गया है। अब क्या है, इनको हम जोड़ दे रहे हैं, बीच में एक विभव मापी लगा दे रहे हैं और नीचे शॉर्ट ब्रिज से, तो सर्किट पूरी हो गई। अब क्या होगा, पोटेंशियोमीटर में फ्लक्चुएशन दिखेगा, कुछ न कुछ वोल्टेज हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या है, पोटेंशियोमीटर की जगह वोल्टामीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन वोल्टामीटर कुछ एनर्जी अपने भी कंज्यूम करेगा, तो ठीक है दोनों लगा सकते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है, इस सेल को लिखा कैसे जाए। तो लिखने की बात अब ध्यान दो, पहले हम मेटल यानी हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के मध्य संबंध लिखते हैं और दोनों को एक वर्टिकल लाइन द्वारा सेपरेट लिखते हैं। तो यहाँ देखो मेटल क्या है, हमारा जिंक रॉड है, तो जिंक रॉड इसका इसकी अवस्था कैसी है, सॉलिड, ये सॉलिड अवस्था है। इसके बाद एक ऊर्ध्वाधर लाइन लगाया और क्या, इलेक्ट्रोलाइट में क्या जाएगा, जिंक आयन जाएगा, तो जिंक आयन यानी 2+ के रूप में, ठीक है। अब क्या, दो ऊर्ध्व लाइन बीच में खींचेंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड को लिखेंगे, तो दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में हमारा कॉपर आयन, कॉपर 2+, ये एक्वस, यहां भी अवस्था लिखेंगे तो ये भी एक्वस है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था एक्वस, तो ये इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर के आयन गए कहां पे, कॉपर मेटल पे, तो एक लाइन फिर लगाए और कॉपर सॉलिड, मेटल चूंकि सॉलिड है। दूसरी बात, बाएं पक्ष की तरफ हम हमेशा एनोड को लिखेंगे, ये आईयूपीएससी का रूल है कि बायां पक्ष की तरफ एनोड को लिखना है, बायां पक्ष की तरफ एनोड होगा और ये डबल लाइन से दायां पक्ष यानी कि दाहिना पक्ष की तरफ कैथोड लिखा जाएगा, कैथोड। तो हम लोगों ने देख लिया कि डेनियल सेल को पेपर पे हम कैसे लिखते हैं, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, जिंक सॉलिड अवस्था में है, ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या होगा, जिंक के परमाणु जिंक आयन के रूप में विलयन में जा रहे हैं, यानी जिंक आयन के रूप में विलयन में, तो विलयन इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी अवस्था एक्वस जलीय है, तो इसको प्रदर्शित किया यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन से जिसकी अवस्था क्या है, जलीय विलयन है, तो कॉपर के आयन एक्वस, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट दिखाया, फिर एक वर्टिकल लाइन द्वारा डिवाइड करके क्या जा रहे हैं, मेटल पे जा रहे हैं, तो कॉपर मेटल, ये एग्जाम्पल है वन, एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सपोज दैट एक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो वह जिंक इलेक्ट्रोड ही है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हमको क्या करना होगा, उसके साथ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा, तो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, जिंक इलेक्ट्रोड तथा मानक
इलेक्ट्रोड। इन दोनों को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे हम? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान क्या है? ऊपर है। जिंक का स्थान ऊपर है और नीचे आने पे हाइड्रोजन मिलता है। जिंक का स्थान तो ऊपर है यानी जिंक के ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या होना है? जिंक ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत होगा तो यह इलेक्ट्रोड कैसा होगा? यह ऑक्सीकृत होगा तो इलेक्ट्रोड एनोड होगा हमारा, यानी कि इन संयोजन में एनोड क्या होगा? जिंक होगा। तो हम एनोड बायां पक्ष की तरफ और दाहिना पक्ष की तरफ कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा यानी जिंक का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे? Zn से Zn 2 प्लस, ठीक है, यानी कि जिंक जिंक आयन के रूप में विलयन में जाएंगे। फिर डबल वर्टिकल लाइन लगाया और दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए जो मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा, जब ये एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा तो उस समय हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे अपचयन की घटना होगी, ठीक है। तो जब भी हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो उसके सापेक्ष दो जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है वही तय करता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। पहले हम बता चुके हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उस पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है, यानी ऑक्सीकरण विभव की तरह भी कार्य कर सकता है और अपचयन विभव की तरह भी। तो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है? अपचयन इलेक्ट्रोड की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन होगा और अपचयन होगा तो हमको क्या अभिक्रिया मिलेगी? H प्लस आयन। H प्लस आयन क्या करेंगे? सोल्यूशन से जाएंगे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे। अवस्था इनकी लिख देते हैं, ये जिंक क्या है? सॉलिड है। जिंक आयन एक्वस, H प्लस एक्वस से H2 गैस, 2H प्लस कर देंगे बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या दिख गया हमको? अगर जिंक इलेक्ट्रोड के साथ संयोजन किए हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो उसकी अभिक्रिया उसको कुछ इस तरह से हम पेपर पे प्रदर्शित करेंगे और इससे हम जान जाएंगे क्या कि एक तरफ जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो कैथोड का कार्य कर रहा है। तीसरा एग्जांपल भी हम लेंगे और उसमें हम क्या दिखाएंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह कार्य करेगा। तो तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं और तीसरे एग्जांपल में क्या ले लेते हैं? सिल्वर तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अब क्या हमको देखना है? सिल्वर लगा है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सिल्वर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, ठीक है, यानी क्या? सिल्वर जो है, सिल्वर का अब अपचयन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे अब ऑक्सीकरण और सिल्वर इलेक्ट्रोड पे अपचयन की घटना होगी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एनोड और इधर दाहिने तरफ कैथोड। एनोड हमारा कौन सा होगा? जिसपे ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण की घटना होगी। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह कार्य करेगा और ऑक्सीकरण की घटना होगी तो क्या होगा? H2S, एक वर्टिकल लाइन लगाया, 2H प्लस एक्वस, फिर डबल वर्टिकल लाइन लगाया और अब कैथोड के लिए लिखेंगे। कैथोड में क्या शामिल है हमारा? सिल्वर। इस पे क्या होगा? अपचयन, यानी कि सिल्वर के आयन इलेक्ट्रोलाइट से एक्वस सॉल्यूशन से निकल के सिल्वर मेटल पे आने वाले हैं, ठीक है। तो सिल्वर तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से हम पेपर पे दर्शाएंगे। अब क्या होगा? क्वेश्चन परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें सेल को इसी प्रकार से दिखाया होता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं।
न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, केवल प्लस माइनस करना होता है। तो अगले लेक्चर में हम क्या बताएंगे कि सेल विभव को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी भी सेल के लिए सेल विभव कैसे निकालेंगे और सेल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको हम दिखाएंगे भी।